इसके पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट आप चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड्स को हम सीख चुके थे कि हम अपने डबल इंटीग्रल में या मल्टीपल इंटीग्रल में कैसे वेरिएबल को चेंज करेंगे। आज हम जो है इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए, ये हमारा इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल रीजन आर पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डीएक्स डीवाई, इसको फाइंड करना, ठीक है। जो हमारा आर क्या है, वो पैरेललोग्राम है इन एक्स वाई प्लेन विथ वर्टाइसेस समथिंग समथिंग। चाहिए हमारा पहला काम होता है जब रीजन डिफाइन किया गया हो, मीन्स लिमिट हमें प्रॉपर दी ना गई हो, पहले हम रीजन को प्लॉट करते हैं, ठीक है। वहां से हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। आइए, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है। आप एक बात याद रखिए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ध्यान देना, अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो 1,0 कहां पर होगा, सपोज करिए ये हमारा ओरिजिन है, 1,0 मीन्स यहां से ये मान लीजिए ये 1 है, और 1 मतलब x एक्सिस, 0 मतलब y, तो यही हमारा पॉइंट क्या हो गया, 1,0, ठीक। उसके बाद 3,1, आइए यहां पर देखिए 3,1 कहां पर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब 3,1 मतलब यहां पर आ जाइए, इसके पैरेलल जाइए, यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, 3,1 वाला पॉइंट हो गया, ठीक। 2,2 तो ये 1 है, ये 2, ये 2 है, ये भी 2 है, तो यहां पर आइए, ये हमारा हो गया 2,2, ठीक है। और उसके बाद 0,1 मतलब एक्स 0 है, वाई 1 है, ये रहा 0,1, ठीक है। ये हमारा रीजन है, ये देखिए ये हमारा रीजन है जिसपे हमें जो है मल्टीपल इंटीग्रल को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप बताइए, आप यहां पर कौन सा मतलब किस तरह का स्ट्रिप कट करना चाहेंगे, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। अगर आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप कट किए, ठीक है, ये देखिए हॉरिजेंटल स्ट्रिप कट किए, तो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यहां पर एक कॉर्नर, ठीक है। मीन्स आप चाहे हॉरिजेंटल कट करें चाहे वर्टिकल कट करें, कॉर्नर से तो आपको मिलना है। आप हॉरिजेंटल किए तब भी एक कॉर्नर मिल रहा है, वर्टिकल किए तो यहां पर देखिए दो कॉर्नर मिल रहे हैं। मीन्स कॉर्नर आपको मिलने ही वाले हैं, और जहां पर कॉर्नर आ जाते हैं वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं तो वहां पर इंटीग्रेबल नहीं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना। तो अब ऐसे क्वेश्चन किया, तो हम ये करें कि यहां से लेकर यहां तक, अगर हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक अपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है ब्रेक कर लें, यहां से यहां तक एक स्ट्रिप, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप, या अगर वर्टिकल कट कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिप, फिर उसके बीच में दूसरी स्ट्रिप, फिर यहां कॉर्नर मिले तीसरी स्ट्रिप, इससे आपको एक ही इंटीग्रेशन के तीन तीन इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे और आपका समय चला जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल वाले मेथड को यूज करते हैं। यहां पर क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर चेंज ऑफ वेरिएबल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कैसे पता करेंगे, जब हम चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करें चाहे वर्टिकल स्ट्रिप कट करें, मल्टीपल कॉर्नर आ रहे हो, या क्वेश्चन को ही देखकर लग रहा हो कि यहां पर हम चेंज ऑफ वेरिएबल अगर लगा दें तो आसान होगा, तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक। तो आइए हम चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहां पर पहले अब इस लाइन का जो है इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, इस लाइन का जो भी इक्वेशन हो उसे आप लिख लीजिए। तो आइए हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इसका इक्वेशन है, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, सॉरी आइए इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का, इनका हम नाम लिख देते हैं यार, नहीं तो फिगर बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आइए इक्वेशन हम निकालते हैं किसका, ए बी लाइन का। तो ध्यान देना क्या करेंगे, ये हमारी ए बी लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा 1,0, ये रहा 3,1। आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला फॉर्म, जब हमें दो पॉइंट दिए हो तो उनके लिए ये वाला फॉर्म लगाते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला ये फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, y माइनस वाई वन मीन्स जीरो, वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस जीरो वन, थ्री माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन ना टू, उसके बाद यहां पर x माइनस एक्स वन मीन्स एक्स माइनस वन, इसको इधर भेज दीजिए, ये 2y, ठीक है। वैसे यहां पर ये x, ये माइनस वन, मीन्स आपको क्या मिल गया, 2y किधर लगी, 1 किधर, x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक। तो ऐसे ऐसे आप जो है सबका जो है फाइंड कर लें, हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसका हमें मिल गया, इसका इक्वेशन क्या मिला, इस लाइन का x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब अदर वाले को आप जो है फाइंड कर लेना, हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इसका इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं, बाकी और का हमारे पास था तो हमने जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे रीजन, अगर आप ध्यान से देखें, जो रीजन R यहाँ पर दिया है, ध्यान देना आप लोग, ये जो रीजन R दिया है यार,
ये r, ये किस तरीके से डिफाइन है, अगर आप लोग देखें तो x माइनस टू वाई जो है वो माइनस टू से लेकर वन के बीच में जो है क्या है, स्थित है। x माइनस टू वाई किसके किसके बीच में है, माइनस टू से लेके वन के बीच में, आपको दिख रहा होगा जो x माइनस टू वाई माइनस टू से लेके यहां तक आ रहा है, वन तक आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप x प्लस वाई की बात करें तो ये लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू वन से लेके फोर तक है, ये हमारा रीजन R है जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है। मीन्स अपने इस रीजन को जो इस तरीके से प्लॉट किया गया है हम इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो भी दिया गया है, ठीक है। अब हमें चेंज ऑफ वेरिएबल वाले मेथड को यूज करना है, तो आप क्या करिए, अगर इस x माइनस टू वाई को u मान लीजिए और x प्लस वाई को जो है v मान लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेट x माइनस टू वाई इक्वल टू यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, तो आप देखेंगे जो है जब इसको यू वी मानेंगे तो एक नया रीजन जो आर वन बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा। मीन्स यू जो है हमारा माइनस टू से लेके वन के बीच में लाई कर रहा होगा और वी जो है हमारा वन से लेके फोर के बीच में है, ये हमारा नया हो गया। कहने का मतलब है कि अब हम इस इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, डी एक्स डी वाई, हाँ। लेकिन अब ये किसी रीजन R1 में कन्वर्ट हो गया जब आप इसे u v से रिप्लेस कर दिए, x प्लस वाई की जगह अगर आप ध्यान से देखें तो v लिखा हुआ है, यानी यहां पर हम v का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमेशा जो है ये ऐसा नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है u और v की अगर वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x और y की वैल्यू निकाल के यहां पर रख देंगे तो ये u और v के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, यहां पर हमें डायरेक्ट मिल रहा था तो हमने यूज कर लिया v स्क्वायर, उसके बाद हम यहां पर क्या लिखते हैं, जैकोबियन लिखते हैं मॉड ऑफ j, ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं डी यू डी वी। अब बस हमें इसको फाइंड करने की जरूरत है, बाकी यहां पर जो रीजन R1 है उसमें आप देखें U और V की लिमिट भी हमको मिल चुकी है। हमें यहां पर इतने बड़े इंटीग्रेशन को बहुत सारे स्टेप नहीं कट करना था, एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें इस फिगर को जो है रब करना पड़ेगा। आइए, ये जैकोबियन क्या है, ये जैकोबियन हमारा जे इक्वल टू क्या है, डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कामा वाई विथ रिस्पेक्ट टू वी विथ रिस्पेक्ट टू यू कामा वी, जो कि आप लिख सकते हैं क्या, डेल एक्स एक्स का यू के रिस्पेक्ट में, एक्स का वी के रिस्पेक्ट में, फिर वैसे ही वाई का यू के रिस्पेक्ट में, वाई का वी के रिस्पेक्ट में, इसी को फाइंड करना, ठीक। लेकिन आप अगर यहां पर ध्यान से देखें जो है तो यहां पर अगर यही जो वैल्यू है ये एक्स का अगर यू कामा वी के फॉर्म में दिया होता तो हम आराम से फाइंड कर लेते, लेकिन यहां पर यू का जो है एक्स कामा वाई के फॉर्मेट में दिया है तो हम क्या करेंगे कि जे डैश फाइंड कर लेंगे। जे डैश में क्या होगा, वो होगा हमारा डेल ऑफ यू कामा वी With respect to del of x कामा वाई, जो कि हो जाएगा u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहां पर देखिए u का दिया है ना, अब इस u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा उसमें जो भी वेरिएबल होगा यार वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इस u का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो y कांस्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव इसका मतलब जीरो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर सिर्फ u का अगर सॉरी x का लेंगे जो है तो इसका क्या आ जाएगा, यहां पर वन आ जाएगा। हम पार्शियल डेरिवेटिव पे जल्दी टॉपिक कवर करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। फिर u का y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर देखिए अब x जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, y का y के रिस्पेक्ट में, यहां पर ये कांस्टेंट सिर्फ माइनस टू बचेगा, माइनस टू। उसके बाद इस v का x के रिस्पेक्ट में वन, इस v का y के रिस्पेक्ट में वन, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो वन इंटू वन माइनस टू मतलब आ जाएगा थ्री, ठीक। यानी हमारा j डैश कितना आ गया, थ्री आ गया, ठीक है। तो अगर हम j डैश थ्री आ गया तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, j इंटू j डैश इक्वल टू वन, j डैश की वैल्यू यहां पर थ्री डाल दें, j इंटू थ्री इक्वल टू वन, तो j की वैल्यू कितना आ गया, वन बाई थ्री। अब मॉड j कह रहे हैं तो ऑलरेडी हमको पॉजिटिव ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां पर जो मार्ट जे है उसकी वैल्यू कितना रखना है, वन अपॉन थ्री रखना है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम थोड़ा इनको रब करते हैं और सॉल्व करते हैं। पर हमारा आर वन आ गया कितना, सॉरी आर वन नहीं, वी स्क्वायर जैकोबियन हमारा आ गया वन बाई थ्री डी यू डी वी। अब ये वी स्क्वायर हम पहले किसके रिस्पेक्ट करें, यू के, वी स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया वन बाई थ्री को भी, क्योंकि आपको पता है जब हम डबल इंटीग्रेशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो भी बचते हैं उनको हम बाहर लेकर आ जाते हैं, तो वी स्क्वायर बाई थ्री बाहर आ गया, यहाँ वी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डी यू करेंगे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू रखेंगे कितना, माइनस टू से वन, उसके बाद डी वी, ये कितना हो गया, ये जब इसमें आप रखेंगे तो वन माइनस टू प्लस टू हो जाएगा थ्री, और ये थ्री गायब हो जाएगा, ठीक। बच रहा है हमारा वी इक्वल टू वन से फोर वी स्क्वायर
डीवी। अब इसका करते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर वी क्यूब बाई थ्री और इसकी वैल्यू रख देंगे 1 से 4, ये हो गया 4 चौके 16, 16 चौके 64 ठीक, माइनस 1/3 आप यहां करिए तो ये 63/3 21 क्या आएगा यार, 21 क्या आएगा बोलो, ये फंक्शन हमारा यूनिटी नहीं है ना, यूनिट क्यूब वैल्यू माइनस ठीक, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं। अभी हम इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।